आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मांग पूरी ना होने पर आंदोलन करती चली आ रही है, फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इसके चलते 18 मार्च को सदर तहसील में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मांग पूरी कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। पुरानी पेंशन, भत्ता बहाली, वेतन नामा के साथ कई मांगों को लेकर पूरे जनपद में अलग अलग अस्पतालों में एकजुटता के लिए गेट मीटिंग चल रही है। इससे पूर्व डिप्लोमा फार्मासिस्ट ने काली पट्टी बांध कर कार्य किया था, अब आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली गयी है। हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन क्या काला फीता बांध के कार्यक्रम चल रहा था 28 तारीख तक। उसके बाद में गेट मीटिंग स्टार्ट की गई है, जो हमारे जनपद के राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, जिला मंत्री वीरेंद्र कुमार वासुदेव जी और भी जो पदाधिकारी हैं और फार्मासिस्ट एसोसिएशन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। और जहाँ गेट मीटिंग हो रही है वहाँ जा रहे हैं, लोगों को जन जागृति की पूरा उनको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम करना है, आगे की जो प्लानिंग है उसको समझाया जा रहा है। और 18 तारीख को तहसील में सामूहिक उपवास के रूप में वहाँ सब लोग बैठेंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जाने पर सरकार मांग पूरी नहीं कर रही है। इसके चलते उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 18 मार्च को सदर तहसील में धरना प्रदर्शन करने जा रही है कि सरकार जो कर्मचारियों को अहित कर रही है और कर्मचारियों के भत्ते, पुरानी पेंशन जिस तरीके से सरकार ने काटा है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास हमारा कर्मचारी कर रहा है, इसी के तहत हम सभी विभागों के जो राज्य कर्मचारी हैं उनके ऑफिसों पर जाकर के गेट मीटिंग कर रहे हैं और कर्मचारियों को हम जागृत कर रहे हैं के उनकी मांगों के प्रति उनको सचेत कर रहे हैं कि वो हम सभी लोग मिलकर के सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने ग्रामीण अंचल के अस्पतालों में चिकित्सक द्वारा ही मरीज देखने के आदेश दिए हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं मिलते तो फार्मासिस्ट ही मरीज को दवा दे देते हैं। इसका भी फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने खुलकर विरोध किया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।